इस साल कमाऊ फिल्मों में पठान और गदर दो सबसे आगे हैं। साउथ में भी कुछ फिल्मों ने तगड़ी कमाई की, परंतु छोटे बजट की जिस फिल्म ने इस साल तहलका मचाया वह आश्चर्य का विषय है। 15 करोड़ बजट की इस फिल्म ने 303 करोड़ रुपए बनाए। जानिए कौन सी फिल्म है वह। इस साल के पहले 8 महीनों में कुछ बॉलीवुड फिल्मों ने बड़ी कमाई की है। बॉलीवुड में गदर 2, पठान, आदि पुरुष और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ने बॉक्स ऑफिस मुनाफा कमाया। वहीं साउथ में वरिसु, पोन्नियन सेल्वन 2 और जेलर जैसी फिल्में हिट रहीं। लेकिन करोड़ों के कलेक्शन के बावजूद मानना होगा कि यह फिल्में बहुत महंगे बजट में बनी थीं। ऐसे में फायदा में रहने के बावजूद इसकी कमाई कुछ हद तक नियंत्रित ही रही। परंतु इस साल बॉलीवुड में छोटे बजट की एक ऐसी फिल्म आई जो सुपरहिट हो गई। यह फिल्म मात्र 15 करोड़ के बजट में बनी थी और इसने देश विदेश में बॉक्स ऑफिस कुल 303 करोड़ रुपए की कमाई की। इतनी धांसू कमाई करने वाली यह फिल्म है निर्देशक सुदीप्तो सेन की द केरल स्टोरी, जबकि इस फिल्म से कोई बड़ा सुपरस्टार नहीं जुड़ा था। फिल्म का निर्माण विपुल अमृतलाल शाह ने किया था। फिल्म पर हुए विवाद ही वजह हैं कि निर्देशक को आगे आकर कहना पड़ा कि फिल्म को भारी लोकप्रियता के बावजूद ओटीटी खरीदार नहीं मिला है। विवाद के बीच यह फिल्म 2023 में सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली फिल्म बनी। खबरों के मुताबिक शाहरुख खान स्टारर पठान ने दुनिया भर में 1000 करोड़ रुपए कमाए, मगर इसकी लागत लगभग 250 करोड़ रुपए थी। जबकि 500 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा चुकी सनी देओल स्टारर गदर 2 का बजट 80 करोड़ रुपए बताया गया है। अब आप द केरल स्टोरी को हुए मुनाफे का अंदाजा लगा सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बगल में मौजूद घंटी के निशान को दबा दें।